हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट टू। फ्रेंड्स, इस पार्ट टू के अंदर हम लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन को, और उस क्लासिफिकेशन में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो हमको याद होना जरूरी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन रेजिस्टेंस वेल्डिंग से आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा रहे, लेकिन आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इसको देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो बेसिकली पांच टाइप की रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है: स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परकसन वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं वो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से समझी हुई हैं, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम है आपका रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कंसेप्ट क्या था कि जिस पर्टिकुलर मटेरियल को हमें वेल्ड करना है उसको हम लोग डिजायर्ड प्लेस पे, जहाँ पे भी हमको वेल्ड ज्वाइंट बनाना है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में हम लोग मटेरियल को मेल्ट डाउन करेंगे। मेल्ट डाउन करने के बाद हम पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे, और तुरंत पावर सप्लाई को ऑफ करते ही हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? फाइनली हमको वेल्ड ज्वाइंट मिल जाएगा, ठीक है? और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो भी हमें वेल्ड ज्वाइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं वेल्ड नगेट, ठीक है? वहीं अगर हम लोग आर्क वेल्डिंग में जाएंगे तो इसी वेल्ड नगेट को बोलते हैं वेल्ड बीड, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्पॉट वेल्डिंग के साथ एक लिमिटेशन थी कि स्पॉट वेल्डिंग हमको लीक प्रूफ ज्वाइंट बना के नहीं दे पा रहा था, ठीक है? तो इसके लिए हमको एक नई वेल्डिंग प्रोसेस की तरफ स्विच करना पड़ा जिसका नाम था सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? सीम का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ स्पॉट वेल्ड, ठीक है? स्पॉट का मतलब होता है सिंगल पॉइंट, ठीक? अब इसी सिंगल पॉइंट को बहुत क्लोज या बोलिए ओवरलैप करते हुए अगर हम लोग वेल्डिंग कर दें, या ऐसे ही ढेर सारे सिंगल पॉइंट को हम बनाते हुए चले जाएं, तो हमको एक लाइन मिल जाएगी। इसी लाइन को हम बोलेंगे सीम, ठीक है? तो क्या चीज़ होता है सीम? सीम होता है ओवरलैपिंग ऑफ स्पॉट वेल्ड, ठीक है? और ये चीज़ हमें मिलती कैसे है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं वो आपका रोलर के फॉर्म में रहता है, या बोलिए डिस्क के फॉर्म में रहता है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सर्कुलर डिस्क का यूज करते हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या होता है? मैंने आपको बार बार बताया है, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड का मटेरियल रहता है कॉपर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जितने भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम लोग कवर करेंगे सब में सेम कंसेप्ट है, पावर सप्लाई को ऑन करिए और रेजिस्टेंस हीटिंग की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यूजन जोन को जनरेट करेंगे, ठीक है? जो भी मटेरियल है उसको फ्यूज करेंगे, और उसके बाद पावर सप्लाई को ऑफ करके विद द हेल्प ऑफ रोलर्स हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और फाइनली हमको वेल्ड नगेट मिल जाएगा, ठीक है? और फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि सीम वेल्डिंग क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ स्पॉट वेल्ड, ठीक है? जो भी आपके स्पॉट्स रहते हैं, या बोलिए जो भी आपके नगेट्स मिलेंगे यहाँ पे, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है? सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो सीम वेल्डिंग प्रोसेस है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोड हम लोग रोलर का यूज करते हैं। रोलर हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं जिसके कारण इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो स्पीड हमको मिल रही होती है, जो वेल्डिंग स्पीड हमें मिलती है वो थोड़ी फास्ट होती है, जिसके कारण हम लोग इस सीम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज मास प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन की बात की जाए तो सीम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज होता है रेडिएटर बॉडीज में, फ्यूल टैंक का जो फैब्रिकेशन का पार्ट होता है उसको भी हम लोग सीम वेल्डिंग की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सीम वेल्डिंग में बस हमको इतनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट 2011 में आया हुआ है। इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ ए, तो क्या सही आंसर होगा? सिलेंडर, फ्लैट प्लेट, कॉइल ऑफ वायर या फिर सर्कुलर डिस्क। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, सर्कुलर डिस्क, ठीक है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने सीम वेल्डिंग का बेसिक भी कवर किया है तो भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? और ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का बना होता है? कॉपर का, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कॉपर के रहते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग में, यानी कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पिछला वीडियो कवर किया था उस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो भी
इरेगुलरिटीज होती हैं, या बोलिए जो भी एस्पेरिटीज होती हैं, उन एस्पेरिटीज के कारण हमें रेजिस्टेंस हीटिंग मिलती है, या बोलिए उन एस्पेरिटीज पे हमको मैक्सिमम हीट मिल रही होती है, ठीक है। और वो एस्पेरिटीज किस टाइप की होंगी, प्रोजेक्शंस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हम लोग इस प्रोजेक्शन वेल्डिंग में यूज करते हैं। क्या कंसेप्ट है, यहां पे हम लोग दो प्लेट्स लेंगे और उनमें से एक प्लेट पे हम प्रोजेक्शंस को दिखाएंगे, ठीक है, या बोलिए प्रोजेक्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो, जो टॉप वाला आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, वहां पे प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन क्यों बना रहे हैं, सो दैट जहां जहां प्रोजेक्शन है वहां वहां पे हम लोग हाई अमाउंट ऑफ हीट को डेवलप कर सकें, जिससे डिजायर्ड फ्यूजन जोन हमें डिजायर्ड प्लेस पे मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना है उसको देखिए। उस डायग्राम में सबसे पहले देखिए एक पावर सप्लाई लगा है, ठीक है। वो पावर सप्लाई दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रोड जो टॉप पे आपको दिख रहा होगा और एक इलेक्ट्रोड आपका बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है। और जो बॉटम में इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर हमने एक प्लेट लगाई हुई है जो आपको ब्लू कलर से दिख रही होगी, ठीक है। और जो आपका टॉप इलेक्ट्रोड है उसमें भी एक प्लेट लगी है जिसपे प्रोजेक्शन हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्शन आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई को ऑन करते ही जो हमारा टॉप इलेक्ट्रोड है उसमें एक प्लेट लगी है जिसपे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के कारण हमारा हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जा रहा है, कहाँ पे, जो उस प्रोजेक्शन से कॉन्टेक्टेड प्लेट है, या बोलिए आपका वर्क पीस है, ठीक है। तो उस वर्क पीस पे डिजायर्ड पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा, जिससे फ्यूजन जोन जनरेट होगा। जैसे ही फ्यूजन जोन जनरेट होगा हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे और इलेक्ट्रोड की हेल्प से प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्रेशर को जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे हमको वेल्ड नगेट मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस में याद क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग दो प्लेट लेंगे, उनमें से एक प्लेट पे प्रोजेक्शन देंगे। प्रोजेक्शन के कारण हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जहाँ पे भी एस्पेरिटीज आती हैं वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। और हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है H=I²RT, ठीक है। जो करंट की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी हाई वैल्यू सप्लाई करते हैं, ठीक। और जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत लिमिटेड रहता है, या बोलिए बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन प्रोजेक्शंस के कारण हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ वायर मेस, ठीक है। आप लोग राइट हैंड साइड में डायग्राम देखो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम बोलेंगे वायर मेस, ठीक है। ये वायर मेस का एक डायग्राम है और इसके अंदर जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। और फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग ने वायर मेस को देखा होगा, जो भी हमारी खिड़कियों की जालियां होती हैं, सो दैट मच्छर हमारे घरों में ना आ सके, तो इसके लिए हम लोग वायर मेस लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने कूलर के अंदर देखा होगा कि कूलर में जालियां लगी होती हैं, वो भी इसी पर्टिकुलर शेप की होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। बस आप लोग एक और पॉइंट मुझे बता दो कि जो हमने प्लेट के अंदर प्रोजेक्शन डेवलप किए हैं वो कैसे डेवलप किए हैं, ठीक है, या बोलिए किस प्रोसेस से हमने प्रोजेक्शन को डेवलप किया है प्लेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि प्रोजेक्शन को हम लोग डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बॉसिंग मेथड, ठीक है। एम्बॉसिंग क्या चीज होती है, इसको हम लोग जब मेटल फॉर्मिंग करेंगे उसी टाइम पे इस पर्टिकुलर चीजों को भी कवर करेंगे सीट मेटल में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर एक बल्ब देख रहे होंगे, और उस बल्ब के अंदर भी आपको मैंने एक रेड कलर का सर्किल बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। उस सर्किल के अंदर आप देख रहे होंगे एक जॉइंट को, ठीक है। और इस जॉइंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट आपको दिख रहा होगा, और दूसरी चीज आपको दिख रही होगी लीड वायर, ठीक है। तो लीड वायर और टंगस्टन फिलामेंट को अगर आपको जॉइंट करना है, या बोलिए वेल्ड करना है, तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आप लोग यूज करोगे मुझे बताओ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग यूज करते हैं परकसन वेल्डिंग प्रोसेस को, ठीक है। इसको डबल स्टार मार्क कर लेना, और कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप लोग इसका यूज बता सको, तो हमेशा अपने माइंड में इस चीज को रखना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, परकसन वेल्डिंग से एग्जाम में अभी फिलहाल बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, या बोलिए ऑलमोस्ट निल हैं क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, लेकिन फिर भी हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में भले अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा परकसन वेल्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर की हेल्प से करंट को सप्लाई करेंगे और फ्यूजन जोन को जनरेट करेंगे, ठीक है। और फिर सेम प्रोसेस कि जैसे ही फ्यूजन जोन जनरेट होगा, हम लोग पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे और तुरंत प्रेशर को अप्लाई करके डिजायर्ड वेल्ड जोन को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि परकसन वेल्डिंग का यूज हम लोग दो डिससिमिलर मटेरियल को जब जोड़ना होता है वहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपको कॉपर और नाइक्रोम की वेल्डिंग करनी है, तो वहाँ पे भी आप लोग परकसन वेल्डिंग का यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको जिंक और स्टील की वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पे भी आप लोग परकसन वेल्डिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर दो डिससिमिलर मटेरियल को जोड़ने वाला कौन सा वेल्डिंग मेथड है? परकसन वेल्डिंग मेथड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस परकसन वेल्डिंग के अंदर हीट अफेक्टेड जोन जो जनरेट होता है वो सैलो होता है, ठीक है। अब हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है ये हम लोग आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इस चीज को याद कर लो या लिख लो अपने पास कि परकसन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर सैलो हीट अफेक्टेड जोन जनरेट होता है, ठीक है। पावर सप्लाई की बात की जाए, या बोलिए करंट जो सप्लाई होती है वो कितने टाइम के लिए होती है? वो होती है 15 मिलीसेकंड या उससे कम, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना कि परकसन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो भी करंट सप्लाई होती है वो मैक्सिमम 15 मिलीसेकंड होती है, उससे कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15 एम सेकंड लिख दिया है, इसको आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लो, 15 मिलीसेकंड लिख लेना, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, परकसन वेल्डिंग की एक और स्पेशलिटी है कि जो भी आपके हीट ट्रीटेड मटेरियल होते हैं उनमें अगर आपको वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है तो आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बिना आप अनिलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किए हुए हीट ट्रीटेड मटेरियल का वेल्डिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परकसन वेल्डिंग, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हीट होती है वो बहुत कंसंट्रेट रहती है, ठीक है। जो आपका मटेरियल जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको वेल्ड करना है सिर्फ उतने एरिया में हीट रहती है, अगल बगल वाले मटेरियल में हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण से हम लोग वायर लेड और लैंप फिलामेंट को वेल्ड कर पा रहे थे, ठीक है। जो बल्ब के अंदर हमने देखा था, जो टंगस्टन आपका फिलामेंट था और जो वायर लेड थे, उनमें जो वेल्डिंग प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे थे वो सिर्फ परकसन वेल्डिंग की जो स्पेशलिटी थी कि हीट जो है वो फोकस रहती है, या बोलिए कंसंट्रेट रहती है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है साइड बाई मटेरियल में, इस कारण से हम लोग परकसन वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग में। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लैश बट वेल्डिंग के अंदर हम लोग दो वर्क पीस को एंड टू एंड जोड़ते हैं, या बोलिए दो वर्क पीसेस को एंड टू एंड वेल्ड करते हैं, ठीक है। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको दो शैफ्ट दिख रही होंगी। तो देखिए, इन दोनों शैफ्ट को हम लोग इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इन पे इलेक्ट्रोड होल्डर लगाएंगे और पावर सप्लाई से इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों के दोनों शैफ्ट को क्लोज लाते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ऑलमोस्ट टच कर रहे होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। लेकिन कितना ही आप इन दोनों को क्लोज ले आओ, कुछ ना कुछ एयर गैप प्रेजेंट रहेगा जिसके कारण परफेक्ट कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं हो रहा होगा, या बोलिए परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ सरफेस इररेगुलरिटीज होंगी, या बोलिए कुछ ना कुछ एस्पेरिटीज होगी। उन एस्पेरिटीज की हेल्प से करंट पास हो रही होगी जिसके कारण रेजिस्टेंस हीटिंग हो रही होगी, और इसी रेजिस्टेंस हीटिंग के कारण फ्यूजन जोन हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही फ्यूजन जोन जनरेट होगा, हम लोग पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे और प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको डिजायर्ड वेल्ड नगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लैश बट वेल्डिंग का कंपैरिजन अगर हम लोग स्पॉट वेल्डिंग से करें, या बोलिए सीम वेल्डिंग से करें, तो उन प्रोसेस में क्या हो रहा था, वहाँ पे हम लोग दो सीड्स को क्लोज लाते थे
और क्योंकि कितना भी क्लोज कर लें कुछ ना कुछ एयर गैप प्रेजेंट रहेगा और एस्पेरिटीज से हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग को जनरेट करते थे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हम लोग दो शेफ्ट को कितना ही क्लोज ले आएँ कुछ ना कुछ यहाँ पे एयर गैप प्रेजेंट रहेगा, जिससे एस्पेरिटीज की हेल्प से रेजिस्टेंस हीटिंग होगी, मटेरियल मेल्ट डाउन होगा और उसके बाद हम लोग प्रेशर की हेल्प से मटेरियल को वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लैश बट वेल्डिंग के अंदर जो आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो हम जॉइंट बनाते हैं वो एंड टू एंड जॉइंट बना रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में कई बार आपको दिया रहेगा कि फ्लैश वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्लैश बट वेल्डिंग होता है सिर्फ वही रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, ठीक है। फ्लैश वेल्डिंग एक टाइप का आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। तो देखिए फ्लैश के आगे जब भी बट मिल जाए आपको, या बोलिए फ्लैश के आगे बट अगर आपको वर्ड दिख जाए तो समझिए ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। लेकिन सिर्फ फ्लैश वेल्डिंग है तो इसका मतलब होगा आर्क वेल्डिंग। दोनों में एक और सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है कि जो भी आर्क वेल्डिंग होगी वहाँ पर हम लोग करंट सप्लाई ऑलमोस्ट 200 to 400 एम्पियर करते हैं, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर हम लोग करंट सप्लाई मैक्सिमम 1 लाख या बोलिए 10 लाख एम्पियर तक कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज रहती है वो ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 80,000 एम्पियर तक रहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है IAS में, ठीक है। जो IAS का मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था पहले, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है कि फ्लैश का मतलब होता है फायर, फायर का मतलब हो गया आर्क, ठीक है। और अगर उस फ्लैश के आगे बट वर्ड आ जाए तो बट का मतलब होता है कि फ्लैश में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आने वाला है, या बोलिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आने वाला है। तो इस वे में आप याद रख सकते हो, आई थिंक आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ऑलरेडी पता है कि जिन मटेरियल की हमें वेल्डिंग करनी है उसको हमें फ्यूज करना होता है, या बोलिए उसको हमें लिक्विड स्टेज तक लाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक आयरन है जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट लेट से 1539 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर इस आयरन को हमें लिक्विड स्टेज तक लाना है तो कैसे हो रहा होगा, तो देखिए मैंने नीचे में रेड कलर के एरो से दिखाया हुआ है। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे हमारा आयरन प्रेजेंट है, हमने इसको हीट करना चालू किया, हीट करते करते हम पहुंचे 1539 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1539 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही ये सॉलिड स्टेज में रहेगा, ठीक है। फिर से हमने और हीटिंग करना चालू किया तो ये ही 1539 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एग्जैक्टली सेम वे में जैसे हमारा बर्फ बनता है, ठीक है। लेट से आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर को आप क्या करोगे, कूल करना स्टार्ट करोगे, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से कूल होते होते 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर पहुंचेगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से फिर से आप कूल करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे कन्वर्ट होगा। तो कौन कौन सी हीट इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, तो देखिए यहां पे दो एनर्जी या बोलिए दो हीट इन्वॉल्व है। सबसे पहले सेंसिबल हीटिंग, फिर लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है फेस चेंज करने के लिए, और जो सेंसिबल हीट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेम चीज यहां पे भी होगी। तो देखिए आपके पास जो मेटल पीस है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको आपने हीट करते करते या बोलिए सेंसिबल हीटिंग प्रोवाइड करके 1539 डिग्री सेल्सियस के सॉलिड स्टेज पे पहुंचा दिया। अब आपको लिक्विड स्टेज में लाना है सेम टेम्परेचर पे, तो हमें मालूम है कि हमें एक लेटेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो जब लेटेंट हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो ये 1539 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेज में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सबसे नीचे आ जाओ, मैंने लिखा है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन द मेटल इन लिक्विड स्टेज। कौन कौन सी हीट रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले सेंसिबल हीट, फिर लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट क्या होगा, एम सी डेल्टा टी प्लस जो लेटेंट हीट होगा वो क्या होगा, एम एल, ठीक है। तो एम सी डेल्टा टी कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक आपको हीट करना है और रूम टेम्परेचर या बोलिए एटमोस्फेरिक कंडीशन पे आपका बेस मेटल अवेलेबल है, ठीक है। तो वही लिखा है एम सी इंटू टी मेल्टिंग पॉइंट माइनस टी रूम, या फिर टी एम्बियंट, ठीक है, प्लस एम एल। एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे बताओ कि जो भी हम लोग मटेरियल को मेल्ट डाउन करने के लिए एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल हीट यूज करते हैं वो हीट आई कहाँ से, वो हीट आती है हमारी पावर सोर्स से, ठीक है। तो पावर सोर्स कौन सी एनर्जी देगा, पावर सोर्स एनर्जी देता है I²RT, ठीक है, जिसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से समझी हुई हैं। अब देखिए क्या हो रहा होगा, आप लोग नीचे में जो मैंने एक डायग्राम बनाया है उसको देखिए, पावर सप्लाई हो गया I²RT,
इसी पावर सप्लाई से हम लोग जो भी करंट है या जो भी एनर्जी है उसको भेज रहे हैं मेटल पे, ठीक है, जिस मेटल की हमें वेल्डिंग करनी है, जहाँ पे हमको एम सी डेल्टा प्लस एम एल अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करना है, ठीक है। तो आपने एनर्जी सप्लाई की आई स्क्वायर आर टी, लेकिन क्या जितना आपने पावर सोर्स से एनर्जी सप्लाई किया है वो पूरा का पूरा मेटल तक पहुँचता होगा? नहीं फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, ठीक है। जो भी हम लोग पावर सोर्स से एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो मेटल तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। आइडियली हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं, तो उन लॉसेस को हम लोग एज एन एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने पावर सोर्स से एनर्जी सप्लाई की आई स्क्वायर आर टी, अब कौन कौन से लॉस हुए? हीट ट्रांसफर, तो वहाँ पे आपने हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी को इंक्लूड किया, सिमिलरली मेल्टिंग एफिशिएंसी को आपने इंक्लूड किया, सिमिलरली और भी कोई लॉस होंगे तो वो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। जितनी भी एफिशिएंसी रहेंगी, हमें मालूम है मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है, और अगर सारी की सारी एफिशिएंसी 1 रहेगी तो इसका मतलब आपका आइडियल कंडीशन है, या बोलिए किसी भी टाइप का लॉस आई स्क्वायर आर टी को सप्लाई करने में, मेटल तक पहुंचने में कोई भी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अब आई स्क्वायर आर टी, सबसे नीचे में आप देखो आई स्क्वायर आर टी इंटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इंटू मेल्टिंग एफिशिएंसी इंटू एनी अदर लॉसेस, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहने वाली है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी इंटू नंबर ऑफ एफिशिएंसीज जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, ठीक है। आइडल केस में कोई भी लॉस नहीं होगा तो वहां पे हम लोग एफिशिएंसी की वैल्यू 1 लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीख लिया है कि पावर सोर्स से जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो होती है आई स्क्वायर आर टी, और मेटल तक पहुंचते पहुंचते कुछ लॉसेस हो जाते हैं, उसको हम लोग एफिशिएंसी के टर्म्स में लिखते हैं, वो हो जाएंगे एफिशिएंसी ऑफ मेल्टिंग या फिर एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर इनकी वैल्यू गिवन है तो आप यूज करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर अब आपके पास जो भी आपने एनर्जी सप्लाई की, उससे क्या होगा? फ्यूजन जोन जनरेट होगा, ठीक है। तो वो फ्यूजन जोन क्या होगा? वो होगा आपका एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल के कारण, ठीक है। जो आपने एनर्जी सप्लाई की उसके कारण एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल जो एनर्जी होगी, उससे मटेरियल मेल्ट डाउन होगा और फाइनली हम लोग को वेल्ड नगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखना कि हम जब भी पावर सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेट से मेटल पे हमने 5000 जूल या किलो जूल एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, और उससे क्या होगा कि जैसे आप एनर्जी को सप्लाई करोगे, ठीक, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैंने लिखा है 5000 किलो जूल। तो मेटल पे जैसे ही ये एनर्जी मिलती है तो क्या होगा कि हीट डेवलप होगी, और उसके कारण क्या होगा, कुछ हीट आपकी लॉस हो जा रही होगी। क्यों लॉस हो जाएगी? क्योंकि जो भी आप प्लेट की या सीट की वेल्डिंग कर रहे होते हो वो कंडक्टिव मटेरियल होता है, उसकी कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो इसी कंडक्टिविटी के कारण कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंडक्शन लॉस के फॉर्म में निकल जाएगा, बेस मेटल से पास हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में देख पा रहे होंगे, 5000 किलो जूल की एनर्जी आपने पावर सोर्स से सप्लाई की है, फिर उसमें से जैसे ही मेटल पे वो एनर्जी आ रही है या जैसे ही हीट जनरेट हो रही है, उसमें से 1000 किलो जूल एनर्जी आपकी लॉस हो जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको वेल्ड जोन या बोलिए वेल्ड नगेट दिख रहा है, वो कितना एनर्जी यूज कर रहा होगा, यानी कि वेल्ड नगेट के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी यूज हो रही होगी, तो एक्चुअल में 5000 माइनस 1000 दैट मीन 4000 किलो जूल एनर्जी यूज हो रही है हमारा वेल्ड नगेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने पावर सोर्स से एनर्जी सप्लाई की आई स्क्वायर आर टी इंटू नंबर ऑफ लॉसेस, जिसको हमने एफिशिएंसी के टर्म में लिखा है, इक्वल टू क्या होगा? एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, ठीक है, प्लस कंडक्शन हीट लॉस। अगर क्वेश्चन में कंडक्शन हीट लॉस दिया है तो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू आप 0 ले लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे में जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आप लोग को इस इक्वेशन का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे बताओ कि एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल क्या चीज था? एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल, या फिर बोलिए वेल्ड नगेट बनाने के लिए कितना एनर्जी यूज हो रहा है वो एनर्जी था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो जो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी,
ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू देगा, और जो भी हमको वेल्ड नगेट बनाना है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए या वॉल्यूम का कुछ ना कुछ आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, जो भी हम वेल्ड नगेट बना रहे हैं उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है आपका एरिया ऑफ वेल्ड नगेट इंटू आपका थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो फिगर वन में, मैंने फिगर वन जो बनाया है उसमें देख सकते हो आप लोग कि दो प्लेट्स हैं, इनको हम वेल्ड कर रहे हैं, और उसमें जो वेल्ड नगेट मिल रहा है उसकी अगर थिकनेस की बात की जाए या बोलिए हाइट की बात की जाए तो वो क्या है, एच है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी पर्टिकुलर वेल्ड नगेट को बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एमसी डेल्टा टी प्लस एमएल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिक एनर्जी इंटू वॉल्यूम ऑफ नगेट। ठीक है, तो अगर नगेट की बात की जाए तो वेल्ड नगेट आपका दो टाइप का हो सकता है, आइदर सिलेंड्रिकल वेल्ड नगेट या फिर आपका स्फेरिकल वेल्ड नगेट। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल के केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल के केस में वॉल्यूम हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एच क्या हो गया, एच हो गया आपका थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट या बोलिए हाइट ऑफ वेल्ड नगेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट गिवन रहेगा, आप लोग देखिए फिगर वन में जो एच है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, लेकिन कई बार इस पर्टिकुलर वेल्ड नगेट की थिकनेस को क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाता है या बोलिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन में गिवन रहता है। कैसे, आपको बोला जाएगा कि जो भी दो मेटल की प्लेट्स या बोलिए दो मेटल की सीट्स को आप वेल्ड कर रहे हो उसकी जो थिकनेस है उस पर्टिकुलर थिकनेस को कवर करते हुए वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेल्ड नगेट की थिकनेस या बोलिए वेल्ड नगेट की हाइट वो हो जाएगी T1 + T2। ठीक है, आप लोग देखो फिगर टू में आप देख पा रहे होगे जो वेल्ड नगेट की हाइट है वो दोनों T1 और T2 को कवर करते हुए बन रहा है, तो उस केस में जो एच हो जाएगा या थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट हो जाएगी वो हो जाएगी T1 + T2। T1 क्या है, प्लेट थिकनेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल या फर्स्ट सीट, और T2 क्या है, थिकनेस ऑफ सेकेंड सीट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखिएगा कि जो वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है उसकी क्या थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन है या फिर आपको कुछ इनडायरेक्ट वे में डेटा गिवन है कि जो भी आपका वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है वो दोनों मेटल की थिकनेस को एडअप करते हुए बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा क्वेश्चन में, अभी हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारे सिलेंड्रिकल वेल्ड नगेट की, लेकिन कई बार होता है कि क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि स्फेरिकल वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग नीचे में देखो स्फेरिकल वेल्ड नगेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा π/6 इंटू D³। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ फिगर टू में जो वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है और दोनों जो आपकी सीट की थिकनेस है उसको कवर करते हुए बन रहा है। ठीक है, तो इसमें डी क्या होगा, डाया क्या होगा, डाया होगा आपका T1 + T2। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को पूरी की पूरी चीज़ें जो भी मैंने अभी तक समझाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है गेट 2001 में आया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन टू प्लेट्स ऑफ 1.5 mm थिकनेस विथ 6 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड यूजिंग 15,000 एम्पियर करंट फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0.25 सेकेंड एज्यूमिंग द इंटरफेस रेजिस्टेंस यानी जो आर है उसकी वैल्यू गिवन है 0.0001 ओम द हीट जनरेटेड टू फॉर्म द वेल्ड इज। क्वेश्चन में कितनी हीट जनरेट हो रही होगी वेल्ड की फॉर्मेशन के लिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आइडियल केस है तो आइडियल केस में क्या हो जाएगा, I²RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC∆T + ML। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा I²RT है वही हमारा यूज हो रहा होगा वेल्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आप लोग वैल्यू को पुट कर दो 15,000² × 0.0001 × 0.25 आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5625 जूल या बोल सकते हैं वाट सेकंड। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, इंटू सेकंड कैंसिल करोगे तो जूल आपकी यूनिट मिल जाएगी और उसी को यहाँ क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में वाट सेकंड दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पार्ट। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी गेट 2004 में आया हुआ है। 2 1 mm थिक स्टील सीट्स आर टू बी स्पॉट वेल्डेड एट अ करंट ऑफ 5,000 एम्पियर एज्यूमिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी जो आर है उसकी वैल्यू गिवन है 200 μΩ एंड करंट फ्लो टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड यानी जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यू गिवन है 0.2 सेकेंड हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहां भी यूज हो रहा है। आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, ठीक है। दोनों आइडल केस हैं, तो आपको यहां पे आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू गिवन है, सेम वैल्यू आपकी यूज हो रही होगी वेल्ड को जनरेट करने के लिए, या बोलिए उस हीट को जनरेट करने के लिए जो वेल्ड की फॉर्मेशन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी आई स्क्वायर आर टी 5000 का स्क्वायर इंटू 200 माइक्रो ओम दिया है, तो 200 इंटू 10 to power -6 इंटू 0.2 आंसर निकल के आ जाएगा 1000 जूल, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी गेट 2014 का क्वेश्चन है। फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील सीट्स, दो स्टील सीट्स हैं जिसकी हम वेल्डिंग करने वाले हैं, हर एक सीट की जो थिकनेस है वो है 3 mm, ठीक है। और वेल्डिंग करंट की जो वैल्यू गिवन है वो है आपका 10,000 एम्पियर फॉर टाइम 0.2 सेकेंड, ठीक है। द हीट डिसिपेटेड टू द बेस मेटल इज 1000 जूल। फ्रेंड्स, ये कौन सी हीट है, ये वो हीट है जो हमारा कंडक्शन हीट लॉस के कारण वर्क पीस से रिमूव हो रही है, ठीक है। लेट से जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास 5000 जूल एनर्जी आ रही है, उसमें से 1000 आपकी निकल जा रही है, तो बची हुई कितनी थी, 4000 जूल। वही 4000 जूल आपका यूज हो रही होती है एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल के फॉर्मेशन में, या बोलिए वेल्ड नगेट के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 1000 जूल है, वो हीट डिसिपेट हो रही है। अज्यूमिंग दैट हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 mm³ वॉल्यूम ऑफ स्टील इज 20 जूल। तो फ्रेंड्स, ये क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ये आपको दे रहा है स्पेसिफिक हीट, या बोलिए स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, वो कितनी है 20 जूल पर mm³, ठीक है। इंटरफेसियल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको 0.0002 ओम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा पावर सोर्स है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो वो होगा आई स्क्वायर आर टी इंटू एफिशियंसी, ठीक है। तो एफिशियंसी की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग 1 ट्रीट करेंगे, ठीक। तो आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, वो निकल के आ जाएगी 4000 जूल, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1000 जूल जो आपकी एनर्जी है वो बेस मेटल से लूज हो रही है एज अ कंडक्शन हीट लॉस, तो 4000 माइनस 1000 करो, तो 3000 जूल जो आपकी एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही होगी आपकी वेल्ड नगेट के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो जो आपकी 3000 जूल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, वो है हमारा 20 जूल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम कर दो, और इसको किसके इक्वल करोगे, इसको आप करोगे 4000 माइनस 1000, यानी कि 3000 जूल जो हमारी वेल्ड नगेट को फॉर्म करने के लिए यूज हो रही है उसके इक्वल कर दोगे। तो आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी वॉल्यूम की 150 mm³, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2005 का क्वेश्चन है ये। स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू 1 mm थिक सीट्स ऑफ स्टील डेंसिटी गिवन है 8000 kg/m³ इज कैरीड आउट सक्सेसफुली बाय पासिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में करंट की वैल्यू आपको नहीं दिया है। द रिजल्टेंट वेल्ड नगेट फॉर्म इज 5 mm इन डायमीटर एंड 1.5 mm थिक। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी हमारा वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है उसका डायमीटर है 5 mm और उसकी थिकनेस है 1.5 mm, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू d² × h, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में देखो, इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जो L है उसकी वैल्यू गिवन है 1400 kJ/kg एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द वेल्डिंग ऑपरेशन इज 200 μΩ, ठीक है, यानी कि 200 × 10⁻⁶ ओम आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कौन सी एनर्जी आपने सप्लाई की, आपने एनर्जी सप्लाई की है पावर सोर्स से आई स्क्वायर आर टी, इसको इक्वल कर दो एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंडक्शन हीट लॉस नहीं हो रहा, तो उसकी वैल्यू हो गई 0, और कोई भी जो भी आपने आई स्क्वायर आर टी से एनर्जी सप्लाई की है वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है मेटल तक पहुँचने में, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका डायरेक्टली हो गया है आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। एम सी डेल्टा टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। तो फाइनली जो फॉर्मूला हमारा बन के आ गया वो हो गया आपका
आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू एम एल। तो देखिए फ्रेंड्स, मास ऑफ वेल्ड नगेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 8000 kg/m³। ठीक है, आप लोग सारी की सारी वैल्यू को आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू एम एल में पुटअप करोगे तो वहां से जो करंट की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 4061.2 एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बोला गया है तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 4060 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट 2008 में आया हुआ है। टू पाइप ऑफ इनर डायमीटर 100 mm एंड आउटर डायमीटर ऑफ 110 mm, ठीक है, यानी कि 110 mm, ईच आर ज्वाइंड बाई फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, यानी कि जो फ्लैश बट वेल्डिंग में हमने देखा था कि जो हमारे पास सेफ्ट थी उनको हम लोग क्लोज ला करके पावर सप्लाई की हेल्प से हीटिंग करके वेल्ड को जनरेट कर रहे थे। सेम प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2008 का। देखिए यहाँ पे बोला है फ्लैश बट वेल्डिंग यूजिंग 30 volt पावर सप्लाई एट द इंटरफेस 1 mm ऑफ मटेरियल मेल्ट्स फ्रॉम द ईच पाइप। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट द इंटरफेस 1 mm ऑफ मटेरियल मेल्ट्स फ्रॉम ईच पाइप। ठीक है, यही क्वेश्चन में गलती होती है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक पाइप से 1 mm ऑफ मटेरियल मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना टोटल मटेरियल आपका मेल्ट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 1+1 यानी कि 2 mm। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1+1 2 क्यों हो रहा है, तो आप लोग समझिए कि जो हमारी प्लेट्स थी, ठीक है, दो प्लेट्स को जब हम स्पॉट वेल्ड कर रहे थे तो वहां पे हमारा वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा था, और अगर वो वेल्ड नगेट दोनों सीट्स की थिकनेस को कवर करते हुए बन रहा है तो वो क्या था, वो था हमारा एच इक्वल टू T1+T2। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि फर्स्ट सीट को आप ट्रीट करो फर्स्ट पाइप की तरह, सेकेंड सीट को आप ट्रीट करो सेकेंड पाइप की तरह, दोनों से आपका मटेरियल मेल्ट हो रहा है और आपको वेल्ड नगेट की थिकनेस मिल रही है एच इक्वल टू 1+1 यानी कि 2 mm। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एक यही ट्रैप था, या बोलिए यही एक ट्विस्ट था, इसके अलावा क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है। आप लोग सिंपली वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट निकाल लो, वो हो जाएगा π/4 d0² - d i², ठीक है, इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट निकल के आ जाएगा 3298.6722 mm³। ठीक है, और फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लोग को स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, वो है हमारा 64.4 MJ/m³। और इस स्पेसिफिक एनर्जी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट से तो नगेट की फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने उसको इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 212.434 जूल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी, ये होगी आपकी आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। ठीक है, सारी वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा T=10 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी पार्ट। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको ये 1 mm वाला जो कंसेप्ट था जो मैंने बताया आपको कि दोनों मटेरियल से 1 mm ऑफ मटेरियल मेल्ट डाउन हो रहा है, ये अगर आप समेशन नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक कंसेप्ट को ठीक से समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ है। टू फ्लैट स्टील सीट्स ईच ऑफ 2.5 mm थिकनेस आर बीइंग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डेड यूजिंग करंट 6000 एम्पियर। ठीक है, करंट जो है वो 6000 एम्पियर हमें गिवन है, और जिस स्टील की सीट्स पे हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं उसमें हर एक सीट की थिकनेस है 2.5 mm। ठीक है, एंड वेल्ड टाइम आपको गिवन है 0.2 सेकेंड। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 200 μΩ, यानी कि 200 × 10⁻⁶ ओम। एंड द स्पेसिफिक एनर्जी, जो भी हमारा स्टील को मेल्ट डाउन करने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है, उसकी वैल्यू गिवन है 10 × 10⁹ J/m³। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल मेल्ट पूल ऑफ डायमीटर 4 mm इज फॉर्म्ड एट द इंटरफेस ड्यू टू करंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका स्फेरिकल वेल्ड नगेट, और उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 4 mm। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट निकाल सकते हो, वो हो जाएगा π/6 × d³। और जब इस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्पेसिफिक एनर्जी से तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी आपकी
335.103 जूल, ठीक है। ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी है आपके वेल्ड नगेट को फॉर्म करने वाली एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी आई स्क्वायर आर टी के, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी के लिए देखिए आपको सारा डेटा गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ हीट यूज फॉर मेल्टिंग टू द टोटल रेजिस्टिव हीट जनरेटेड इज, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मेल्टिंग के लिए यूज हुआ डिवाइडेड बाई कितना रजिस्टिव हीट जनरेट हुआ है। तो रजिस्टिव हीट कितना जनरेट होता है? वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और मटेरियल को मेल्ट करने के लिए कौन सा एनर्जी यूज होता है? जो हमारा वेल्ड नगेट के फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यही चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है, रेशियो ऑफ हीट यूज फॉर मेल्टिंग डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टिव हीट, ठीक है। तो आप वैल्यू को पुट करो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.2327, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि किस चीज़ का रेशियो पूछ रहा है। अगर रजिस्टिव हीट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन अ मटेरियल ये पूछ रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा आप लोग ठीक से पढ़ा करिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गेट 2009 में आया हुआ है। रजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील सीट्स इज कैरीड आउट इन लैप ज्वाइंट कॉन्फिग्रेशन बाई यूजिंग अ वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट की वैल्यू गिवन है 3000 एम्पियर, ठीक है, या बोलिए 3 किलो एम्पियर। वेल्ड टाइम आपको t इक्वल टू 0.2 सेकेंड गिवन है। मोल्टन वेल्ड नगेट का वॉल्यूम आपको गिवन है 20 mm³, ठीक है। इफेक्टिव कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस r की वैल्यू गिवन है 200 माइक्रो ओम। सिमिलरली आपको जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है वो भी गिवन है, यानी l की वैल्यू आपको गिवन है 1400 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में और भी चीज़ें गिवन है, डेंसिटी, ठीक, फिर मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 1520 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट जो कि C है वो उसकी वैल्यू गिवन है 0.5 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और एम्बियंट हीट या बोलिए रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए पूछ कह रहा है हीट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड नगेट विल बी, ठीक है, एज्यूमिंग 100% हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कौन सी हीट होगी? ये वो हीट होगी जो वेल्ड नगेट को फॉर्म करने के लिए यूज होती है। तो कौन सी हीट फॉर्म होती है? वो होती है आपकी MC∆T+ML, ठीक है। तो देखिए MC∆T+ML के अंदर आपको M डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो M हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट आपको गिवन है क्वेश्चन में और डेंसिटी ऑफ मटेरियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यू आप MC∆T+ML के अंदर पुटअप करोगे तो वहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी 344 जूल, ठीक है। तो इस 21 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब आप क्वेश्चन 22 पढ़ो, हीट डिसिपेटेड टू द बेस मेटल विल बी, ठीक है। तो ये कौन सी हीट होगी फ्रेंड्स जो डिसिपेट होती है? इसको हम बोलते थे कंडक्शन हीट लॉस, ठीक है। और ये कैसे निकलती थी कि जो भी हमने पावर सोर्स से एनर्जी को सप्लाई किया था आई स्क्वायर आर टी इंटू मेल्टिंग एफिशिएंसी इंटू जितनी भी एफिशिएंसी है सब मल्टीप्लाई करके वो जो एनर्जी हमें मिलेगी वही एनर्जी आपका वेल्ड नगेट को फॉर्म करने के लिए यूज हो रही होगी। लेकिन क्योंकि आपका जो वेल्ड सीट है या बोलिए जो भी मटेरियल जिसमें आपको वेल्डिंग करनी है वो एक कंडक्टिव मटेरियल होता है, तो उसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ हीट बेस मेटल से लॉस हो जा रही होगी, ठीक है, कंडक्शन हीट लॉस हो रहा होगा उसमें, ठीक। तो उसी हीट को निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक। तो आप सबसे पहले कितना पावर सोर्स से एनर्जी सप्लाई हुआ उसको कैलकुलेट करो, वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और एफिशिएंसी यहाँ पे 100% गिवन है तो आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 360 जूल, ठीक है। और वेल्ड नगेट को फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी यूज होगी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो हो गई 344 जूल। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कंडक्शन हीट लॉस मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 जूल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गेट 2002 में आया हुआ है, इन स्पॉट पल्स्ड लेजर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम प्लेट्स, ठीक है। एल्युमिनियम प्लेट्स के ऊपर हम लोग स्पॉट पल्स्ड लेजर वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी गिवन है एल्युमिनियम की, वो है 2700 kg/m³। स्पेसिफिक हीट यानी सी की वैल्यू गिवन है 896 जूल पर केजी। सिमिलरली मेल्टिंग टेम्परेचर गिवन है 933 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है 398 किलो जूल पर केजी एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो आपका वर्क पीस है या बोलिए जो आपका प्लेट्स हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। तो आपको रूम टेम्परेचर बोल लीजिए या आप एम्बियंट टेम्परेचर बोल लो तो वो 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो, वो निकल के आ जाएगा 303 केल्विन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है
कि जो पल्स एनर्जी है वो 0.5 जूल की एनर्जी है, जो कि सप्लाई की जा रही है फॉर प्रोड्यूसिंग द वेल नगेट। ठीक है, जो पावर सोर्स से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी है आपकी 0.5 जूल। ठीक है, और उसको कहाँ फोकस किया जा रहा है, उसको 0.05 mm² एरिया पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इफ द इंटायर एनर्जी इज कपल्ड इन टू द मटेरियल, वॉट विल बी द डेप्थ ऑफ वेल्डिंग एज्यूमिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेल्ड इज सर्कुलर एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट डेप्थ एंड ओनली हीट कंडक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पेनेट्रेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसको समझने का। आप सिंपल लॉजिक लगाओ कि कितनी एनर्जी यहाँ सप्लाई हो रही है, वो आपको गिवन है 0.5 जूल, और वेल्ड नगट की फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी यूज होगी, वो होगी आपकी MC Δt + ML। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप लोग सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको मास की वैल्यू मिलेगी 5.1949 × 10⁻²⁷ kg। और मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम ऑफ वेल नगेट इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ वेल नगेट मिल जाएगा 0.1924 mm³। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका एरिया ऑफ वेल नगेट इंटू डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बोल सकते हो, या फिर डेप्थ ऑफ वेल नगेट बोल सकते हो। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू भी गिवन है आपको 0.05, और यहाँ से डेप्थ आपका निकल के आ जाएगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 3.848 mm, यानी कि 3.85 mm। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आप लोग सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कवर करो, और कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा तो कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आपने सारी चीज़ों को समझ के पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील सीट्स ईच 2 mm थिक कैरीड आउट सक्सेसफुली बाय पासिंग 4 kA ऑफ करंट। ठीक है, 4000 A करंट सप्लाई किया जा रहा है, और जिन सीट्स पे हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करने वाले हैं उनकी थिकनेस है 2 mm। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 सेकेंड तक हम लोग करंट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 0.2 सेकेंड तक। अब आगे पढ़िए। द रिजल्टिंग वेल्ड नगेट फॉर्म्ड बिटवीन द सीट इज 5 mm इन डायमीटर, एज्यूमिंग द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ वेल्ड नगेट, द थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट, क्वेश्चन में पूछ रहा है एमएम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखा करिए कि क्वेश्चन में डायमेंशन, किस डायमेंशन में आपसे डेटा को पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में गिवन है 1400 kJ/kg, रेजिस्टेंस दिया है आपको 200 μΩ, डेंसिटी ऑफ स्टील गिवन है 8000 kg/m³। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग ने ऑलरेडी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग I²RT = MC Δt + ML लगा दो, MC Δt का आपको डेटा गिवन नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, और फाइनली फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ML = I²RT। ठीक है, तो M होता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है वो सिलेंड्रिकल है शेप में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4d² × थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में डायमीटर आपको गिवन है 5 mm। ठीक है, आप लोग सारी की सारी वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से आपके वेल्ड नगेट की थिकनेस निकल के आ जाएगी 2.91 mm। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेल्ड नगेट की थिकनेस निकल के आ रही है वो है 2.91 mm थिक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि मैक्सिमम वेल्ड नगेट की थिकनेस कितनी हो सकती है, तो वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 2+2, यानी कि 4 mm थिकनेस मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, जितनी भाई आपकी प्लेट की थिकनेस है उतनी ही तो हो सकती है, तो हर एक प्लेट की थिकनेस है 2 mm, और जब पूरा आपका वेल्ड नगेट दोनों थिकनेस को कवर करते हुए बनेगा तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो आपका 4 mm तक जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट 2007 में आया हुआ है। टू मेटेलिक सीट्स ईच ऑफ 2 mm थिकनेस आर वेल्डेड इन लैप ज्वाइंट कॉन्फिग्रेशन बाय रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग एट अ वेल्डिंग करंट 10 kA, यानी कि 10000 A करंट की वैल्यू गिवन है, और जिन सीट्स की हम वेल्डिंग कर रहे हैं उनमें सीट की थिकनेस है 2 mm। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे। एंड वेल्डिंग टाइम 10 ms, यानी कि जो स्मॉल टी है वो है आपका 10 × 10⁻³ सेकेंड। अब आगे देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में, अ स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू द फुल थिकनेस ऑफ ईच सीट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन की लाइन आप ठीक से पढ़ो, क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू फुल थिकनेस ऑफ ईच सीट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स,
इसका मतलब है जो आपको मैक्सिमम थिकनेस है, या बोलिए जो मैक्सिमम डायमीटर है, वो गिवन है कितना, 2+2 यानी कि 4 mm। फ्रेंड्स, मैंने डायमीटर टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्ड नगेट फॉर्म हो रहा है वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम थिकनेस अभी तक ट्रीट कर रहे थे वो बन जाएगा हमारा डायमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन का कैच था, या बोलिए क्वेश्चन में जो सबसे टफेस्ट चीज थी वो यही थी। तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें देखिए, आपको एम्बियंट टेम्परेचर गिवन है 293 केल्विन, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर गिवन है 1793 केल्विन, डेंसिटी ऑफ आपका मेटल वो गिवन है 7000 kg/m³, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है, सिमिलरली स्पेसिफिक हीट यानी स्मॉल सी की वैल्यू 800 J/kg गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो 500 μΩ गिवन है। और क्वेश्चन में जो एज्यूम में सेकेंड स्टेटमेंट है वो पढ़िए, नो कंडक्टिव हीट लॉस थ्रू द बल्क सीट मटेरियल, ठीक है। कोई भी कंडक्टिव हीट लॉस नहीं हो रहा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, द कंप्लीट वेल्ड फ्यूजन जोन एट द मेल्टिंग टेम्परेचर, द मेल्टिंग एफिशियंसी, मेल्टिंग एफिशियंसी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला, I²RT × जितनी एफिशियंसी है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा MC∆T+ML+ कंडक्शन हीट लॉस। कंडक्शन हीट लॉस को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा हो गया I²RT × मेल्टिंग एफिशियंसी MC∆T+ ML, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट के लिए आपको डेटा गिवन है, डायमीटर डायमीटर के लिए आपको गिवन है थिकनेस जो हमारा बन रहा है वो दोनों दोनों मटेरियल की जो थिकनेस है उसको कवर करते हुए बन रहा है। तो फाइनली जो डाया था वो 4 mm आ गया था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट आप निकालोगे तो वो हो जाएगा π/6 d³, तो वो निकल के आ जाएगा 33.510 mm³, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सारी वैल्यू को आप पुट करो, आपका जो मेल्टिंग एफिशिएंसी है वो निकल के आ जाएगा 0.7037, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 70.37, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि 70.37%, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 में कन्वेंशनल में पूछा गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो आंसर निकले आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं वो ऑलरेडी बहुत टफ थे, ये क्वेश्चन उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करोगे बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग वाला जो पार्ट था वो फिनिश हो गया है। हम लोग ने हर एक क्वेश्चन को, जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में क्वेश्चन आए हैं, उनको फिनिश कर लिया है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी अप्रोच यही रहेगी कि जितना भी पार्ट हम लोग कवर करते जाएँ उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के क्वेश्चन कंप्लीट करते चलें। इवन अगर आप लोग के पास कोई अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप लोग हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हो, हम लोग उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लोग भी SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है, या जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको डाउट आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करो, वहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग उसको वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहाँ कहीं भी डाउट है उसको डिस्कस करो, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है, जो आपकी नॉलेज है, वो डे बाय डे इन्हेंस होती रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।